और आप सब लोग सोच रहे होंगे ना कि मेरा अचानक से व्यूज क्यों कम हो गए हैं। नहीं रहती है उसको मैं, हमारा कितना अच्छा लग रहा है ना, और हवा चल रही है बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे। हम अंदर चलते हैं। नवाल कैसी हो? ठीक हो? तो बैठ गया नाश्ते के लिए, अब यहाँ ना होना। चलो मुझे मोबाइल दो। वहाँ पर जो हमारे बनाना बचे थे उनका मिल्क शेक बना रही हूँ। बस शुक्र है ये ख़राब होने वाली थी, बच गई है। और दो एप्पल जूस में डाल दूँगी, जूसर में कचक मैंने यहाँ पे रख दिया। ये सारी चीज़ें इसमें डालती हूँ। हम ये देखो, ये क्या कर रहे हो इधर, मस्तियाँ कर रहे हो? हाँ, ऑयल मैंने रखी है, सालन बना रही हूँ, और ये सारी चीज़ें मैंने काट कर रख दिया। कचनार की रेसिपी तो मैंने आपको पहले भी दी थी। मैं फटाफट से सारा खाना बना के जैसे ही कीमा बचा है ये भी यूज़ कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा साफ़ कर लिया, और अपने लिए ये वाला ड्रेस निकाल दी है। मेरे पास पड़ा हुआ था, पर थोड़ी सी सिलवटें आ गई हैं, थोड़ी सी इसको ना मैं प्रेस कर दूँगी अगर टाइम मिला तो। और बाहर का मौसम भी बड़ा खूबसूरत हुआ जा रहा है। अब ना मैं क्या करती हूँ, रात को कपड़े वॉश करती हूँ। ये जितने भी होते हैं ना हाथ के हाथ, वो सारे ना वॉश कर देती हूँ। यहाँ पर सो रहे हैं, इसे मैंने सुला दिया और मैंने जानिमाज बिछा दी है, मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ। ड्रेस पहने कैसे लग रहा है? और मैं कमज़ोर भी हो गई हूँ, शुक्र है। और जुमे की नमाज हम लोगों ने सब में पढ़ी है, शुक्र है। और आज मेहमान नहीं है घर पर, पहली बार इस तरह दोस्त के साथ गया। गाड़ी घर पर ही है पर वो दोस्त के साथ गया। और अभी मैंने शुक्र सारा काम पहले से कर लिया। असलान मेरे साथ बोल रहा है, समझ रहा है कि मैं उसके साथ बोल रही हूँ। सारा काम मेरा हो चुका है, शुक्र है। बस हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया, बस किचन में एक दो बर्तन होंगे बस, और कुछ थोड़ा थोड़ा काम है वो मैं कर लेती हूँ। ये अंडे थे ना उनको हम संभाल लेंगे, और ये इसलिए अब यहाँ से मैंने कहा था उसके हाँसी रखी है, वैसे ना ये मैं इसको ना लपेट के रखी। और ये अंडे थे इधर बड़े लग रहे थे, तो मैंने सोचा फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज साफ किया था और फिर से ना गंदा हो गया। अब अफनान का फ्रिज में बहुत काम आता है, वो उसके लिए सारा फ्रिज बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। ऐसे करके सारा फ्रिज अजान अजनान की सिर्फ नई नई रहती है, उसको मैं अपनी चेंज करके उस वो अजनान जो है ना अपने आप को बहुत जल्दी गंदा करता है। अब यहाँ नहीं गई हमारी लगी हुई है, क्यों और कुछ अंडे तो हम लोग नहीं यूज़ किए हैं, बस ये रहते हैं जो मैं इसमें रखूँगी। ये मैं इस तरह से संभाल लेती हूँ। ये कुछ दवाइयाँ ना जो फ्रिज में रखती हैं बाहर में फिर खराब हो जाती हैं, या फिर मैं अजलान ले लेता। अजलान हटो, और आज ना बार बार धूप आ रही है, जा रही है, बादल भी है, और गर्मी कल रात को बहुत ज़्यादा थी, जब मैंने ना एक घंटे के लिए एसी लगा लिया था, फिर सबको बहुत ठंड लग रही थी, मैंने जल्दी से ऑफ कर दिया। फिर शुक्र है पूरा दिन ना रूम ठंडा था, और अभी ये लाउंज हमारा ये एरिया है ना वो गर्म होता है, क्योंकि खिड़की है ना बाकायदा गिर गई ये वाली खिड़की, इससे सारी धूप आ रही है। अब देख सकते हैं ना ये कितनी धूप आ रही है, तो इस वजह से हमारा ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये फ़ैन भी हमारा ख़राब हो चुका है, मैंने नुमान से कहा था ये फ़ैन सही कर लो, इसमें एक चीज़ ख़राब है, पर नुमान अभी उसका बहुत ज़्यादा काम होता है ना, वो ये नहीं है, तो खारिज हो जाएगा। छोटे मोटे घर के काम है जो करने हैं,
और एक अलमारी है ना, उसका भी मैग्नेट ख़राब हो चुका है, वो बंद नहीं होता, दरवाज़ा ऐसे ही खुला रहता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और आप सब लोग सोच रहे होंगे ना कि मेरा अचानक से व्यूज़ क्यों कम हो गए हैं। ये तो एक पहले बग था जिसकी वजह से व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो चुके थे, बग नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नेट स्लो हो गया था तो जिसकी वजह से ना बिल्कुल व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। तो अब क्या मसला हुआ, फिर मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी, बहुत ज़्यादा गैप आ गया था मेरी वीडियो में और उसकी वजह से मेरे चैनल की रीच डाउन हो गई है। तो अब यूट्यूब मुझसे मांग रहा है कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। इंशाल्लाह मैं डेली अपलोड करूँगी क्योंकि बहुत मजाक हो गया है। यूट्यूब चैनल मेरा ड्रीम था जो शुक्र है ग्रो हो रहा था, पर अचानक ये मसले आ जाते हैं ना, बहुत फिर गुस्सा आता है मुझे, फिर वीडियो बनाने का दिल ही नहीं चाहता। पर फिर हार मैं नहीं मानती, जो मैंने ठान ली होती है ना वो मैं इंशाल्लाह करके दिखाती हूँ। बस मैंने ये बताना था कि अचानक से मेरा चैनल क्यों डाउन हो गया, व्यूज़ मेरे क्यों कम आने लगे। आप सब के साथ अगर जिस जिस के भी व्यूज़ कम आ रहे हैं ना, तो उनका भी यही मसला है कि पहले नेट स्लो हो गया था और हम लोगों ने वीडियो बनाना छोड़ दी थी और उसकी वजह से हमारी रीच डाउन हो जाती है। जो भी होना, हमें चाहिए कि हम हर हाल में वीडियो अपलोड करें, उससे हमारी चैनल की रीच कभी भी डाउन नहीं जाएगी। तभी इंशाल्लाह डेली वीडियो आएगी और मैं सारे काम ना पहले से ही कर लेती हूँ। और मैं आपको मौसम भी चेक कराती हूँ, इतना प्यारा खूबसूरत सा मौसम बन रहा है। और फिर मैं ना मोबाइल चार्जिंग पर भी लगा लेती हूँ, अजलान ना यार ये बड़ा तंग करता है। मैं ना चलो बाद में दिखाती, अब यहाँ अजलान को पकड़ो एक सेकेंड के लिए, अब यहाँ चलते हैं बाहर का मौसम आपको दिखाते हैं। कभी धूप आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं बादल और सूरज। अब चलते हैं दिखाते हैं, बहुत टाइम हो गया, ये एरिया मैंने आपको दिखाया नहीं है। ये एरिया हम लोगों ने सारा साफ़ कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है ना, ये हवा के साथ कुछ गंदा दिया है। यहाँ पर जितना गंद कबाड़ हो उसको हमें पड़ा था सारा गिरा दिया और ये साफ़ कर दिए, पर ये दाग नहीं हट रहे, ये बहुत पुराने हैं ना, जब हम इस घर में भी नहीं थे तो ये दाग हैं। तो अब ये भी अच्छा सारा साफ़ कर दिया रहमान ने, बच्चों पर बाहर कोई बच्चे आए थे और ये देखो ना सारे बच्चे खेल रहे हैं और लॉन हमारा कितना अच्छा लग रहा है ना। और हवा चलने लगी है, बादल देखने आए हैं, आते हैं जाते हैं और बारिश का कोई तो पता नहीं है। हमें इतने प्यारे फूल लग रहे हैं, देख रहे हैं ना कितने प्यारे प्यारे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये बिल्डिंग की उस गार्डन में लग गए और हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। और ये देखो ना कितने गहरे काले बादल आ गए हैं और मौसम काफ़ी अच्छा आ रहा है। और बस अब हम अंदर चलते हैं। नवाल कैसी हो, ठीक हो? हाँ शर्म आ रही है कैमरे। अनाया कहाँ जा रही हो, खेल रही हो? मैं समझी ट्यूशन जा रही हो। अपना गिर जाओगी। अपना ने ना कल कैंची लिए, हमें पता नहीं था, अपनी शर्ट काटी है। अब मैंने इससे कहा है नहा लो, कपड़े चेंज कर लो, ये इसकी इतनी फेवरेट शर्ट है और ऊपर से उसने काट भी लिया, बड़ा पागल है अफनान। अभी घर चलती हूँ और बस व्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। सोच रही हूँ कि व्लॉग छोटे छोटे कर दूँ, जैसे 6 मिनट 7 मिनट तक हो गए ना उतने मैं बनाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दिया करें। और मुझे बताना है कि मेरा आज का ये ड्रेस आप सबको कैसे लग रहा है और किस किस ने मेरा व्लॉग मिस किया इतने दिन। और ये देखो ना शीशा भी काफ़ी गंदा हो रहा है, अपना ना ऐसे ऐसे इस पे हाथ मत रहता है और अजलान उधर तबाही मचाई हुई है, तबाही। अच्छा ये मेरा पूरा ड्रेस है, ये पांचों पर भी लेस लगी हुई है और दामन पर भी, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं काफ़ी स्मार्ट भी हो गई हूँ, ये फिर भी खुला है, ये देखा ना, शुक्र है काफ़ी स्मार्ट हो गई हूँ। फिर वो भी मैं आपको बता दूँगी अगर किसी को पूछना हो तो। बस व्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी जैसे चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।